जब तुम्हारे अंदर की छुपी शक्ति जागती है तो जीवन का हर पहलू बदलने लगता है। आज मैं बताऊंगी कुंडालिनी को जगाने के बारे में, जो तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत कर सकती है। रेडी हो इस रहस्य को जानने के लिए? कुंडालिनी एक बहुत ही पावरफुल शक्ति है। ये वो शक्ति है जो जीवन दान देती है। ये छुपी रहती है तुम्हारे अंदर, ये स्पाइनल कॉर्ड के बेस में एकत्रित रहती है। जब तुम स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हो तो ये शक्ति एक्टिवेट हो जाती है। धीरे धीरे ये शक्ति स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर की ओर बढ़ने लगती है और जब ये सर के टॉप पे पहुंच जाती है उस मोमेंट पे कंप्लीट एनलाइटनमेंट अचीव होता है। उस टाइम कॉन्शियसनेस का लेवल एकदम पीक पे होता है। ये क्रिएटिव शक्ति है जो सभी के अंदर होती है। ये वो शक्ति है जो हमारे मटेरियल एग्जिस्टेंस और हमारे स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस को जोड़े रखती है, एक कड़ी की तरह। क्या तुम जानना चाहते हो इसको कैसे जगा सकते हैं? कोई एक रास्ता नहीं है इसको जगाने का, बहुत से रास्ते हैं। सबका सफर अलग अलग होगा हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अचीव करने का कुंडालिनी के माध्यम से, पर कुछ इजी और हाईली इफेक्टिव रास्ते हैं जो मैं बताने वाली हूं जिससे तुम्हारा ये सफर आसान बन जाएगा। सबसे पहला तरीका है मेडिटेशन, जिसके बारे में पूरी दुनिया जान चुकी है। डीप साइलेंस जो मेडिटेशन में महसूस होता है वो तुम्हारी कुंडालिनी के ताले की चाबी बन जाता है। उस साइलेंस में ये शक्ति तेजी से ऊपर की ओर बढ़ती है। ये शक्ति सात चक्रास से गुजरती है और जब ये एनर्जी फर्स्ट चक्रा से उठकर सेवन चक्रा पर आ जाती है, जो कि सर के टॉप पे होता है, दैट इज कंप्लीट कॉन्शियसनेस। उस वक्त यूनिवर्सल पावर से कनेक्ट हो जाते हो तुम, क्योंकि सेवेंथ चक्रा जो है तुम्हें डिवाइन पावर से जोड़ता है। दूसरा तरीका है प्राणायाम। ये ब्रीदिंग टेक्निक्स होते हैं, कपालभाति काफी लोगों को पता होगा, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सब प्राणायाम हेल्प करते हैं एनर्जी को शुद्ध करने में। सांसों से शुद्धि होती है शरीर की और माइंड की, और जब शरीर शुद्ध बनता है तो कुंडालिनी शक्ति आसानी से जागती है और ऊपर की तरफ भागती है डिवाइन में मिलने के लिए। थर्ड तरीका है साउंड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साउंड वाइब्रेशन बहुत पावरफुल होते हैं, कुछ ऐसे म्यूजिक भी हैं, कुछ मंत्र भी हैं। इनके वाइब्रेशन से कुंडालिनी एनर्जी क्या होती है, ट्रिगर हो जाती है और मूव करने लगती है ऊपर की ओर। ये वर्ड्स तुम खुद बोल सकते हो आराम से बैठ के, या फिर कोई डिवाइस पे प्ले भी कर सकते हो। पर सबसे जरूरी बात है कि इसके साथ साथ तुम्हारी लाइफस्टाइल पॉजिटिव होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। दिनचर्या बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट को प्योर रखना होगा अगर कुंडालिनी को एक्टिवेट करना है तो। ये कैसे कर सकते हो? माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं, बॉडी में नेगेटिव खाना नहीं, और स्पिरिट को सच्चाई में रखना, इससे प्योरिटी बनी रहेगी। आखिरी में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक स्पिरिचुअल टीचर का ज्ञान और ब्लेसिंग्स तुम्हें बहुत हेल्प कर सकता है कुंडालिनी के सफर में। जब कुंडालिनी जाग जाए तो एक गहरी शांति और एक ग्रेट अवेयरनेस आ जाता है जीवन में, और अपने ट्रू डिवाइन नेचर के दर्शन हो जाते हैं। बहुत कीमती है ये एक्सपीरियंस, इसके उस पार आनंद ही आनंद। मैं चाहती हूं कि ये आनंद तुम्हें नसीब हो, पर उसके लिए कुंडालिनी के सफर पे धैर्य के साथ चलना होगा तुम्हें। मेनी ब्लेसिंग्स टू यू, चीयर्स टू कुंडालिनी, चीयर्स टू मुक्ति। जय सच।